हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो कंप्यूटर एंड टेक। मैं हूं निशांत और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एमएस वर्ड में हम आप थंबनेल जो बना रहे हैं उसमें वर्ड में मतलब वर्ड एड के जरिए उसमें 3D इफेक्ट्स को प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से कैसे लगाना है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें फिर से एमएस वर्ड में आ जाना है। एमएस वर्ड में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वर्ड एड पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें से जो भी आपका मन मर्जी जो भी हो उस पर सिलेक्ट करो। यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करो जो भी है, इसे मैंने एप्पल टाइप किया। आपको पता है यहाँ से अपना साइज बोल्ड इटैलिक जो भी कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को आप बदल सकते हो। फिर देन यहाँ पे ओके प्रेस करना है और यहाँ से इसके साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये हमारा एप्पल पहले यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, जैसे ये दिख रहा है, मतलब ये कि ये सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर 3D इफेक्ट्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। अब आप इसमें से जिस पे करोगे वो उस रूप में शो होगा। देखिए बैकग्राउंड में आपको शो हो रहा है। अब जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दोगे, जैसे मुझे ये अच्छा लगा इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये हमारा एप्पल उस तरह के 3D इफेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें और सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। फिर आप चाहते हो कि जो आपका 3D कलर है उसको आप चाहो कि ये नहीं किसी और कलर में, तो यहाँ पे नीचे 3D कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है। देखिए 3D कलर यहाँ पे आना है और इसमें से जो कलर आपको अच्छा लग रहा है अपने अकॉर्डिंग उसको आप अपना 3D कलर बना सकते हो। जैसे मैंने रेड पे किया तो ये रेड देखिए हो गया, ये ग्रीन करोगे तो ग्रीन हो जाएगा। मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक कर दो, ये आपका उस तरह का हो जाएगा। देखिए एप्पल अब ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर 3D इफेक्ट्स में फिर से आते हैं। नेक्स्ट है डेप्थ है, जो डेप्थ है वो आप कितनी चाहते हो। मैं 36.8 है। अब इसमें बहुत सारी हैं, जिस डेप्थ पे करोगे उसका 3D जो 3D वैल्यू है वो उस तरह से बढ़ेगी। मैंने इस पे किया 144 पे, फिर 72 पे किया, फिर 36 पे। तो जो आपको जितना डेप्थ रखना है अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। फिर उसके नीचे नेक्स्ट है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में जो आपको ने 3D लगाया हुआ है वो आगे की तरह शो करे या पीछे की तरह, या वो ज़्यादा लंबा हो कैसा हो, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे इस पर मैंने किया तो ये देखिए काफ़ी थोड़ा सा नीचे की तरफ है। इस पर जैसे मैं करता हूँ तो ये थोड़ा सा लॉन्ग करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये इस पर, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग पे जब आप आते हो, इसमें देखिए लाइटिंग का ऑप्शन है, मतलब जिस तरह से लाइट्स जलते हैं उस तरह से हमें बनाया हुआ इमेज और उस तरह से आपका जो टेक्स्ट है शो करेगा। देखिए डाउन अप जो भी है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें नॉर्मल है, डैम है, जो भी आप करो। फिर लास्ट है सरफेस है। सरफेस मेटल है, प्लास्टिक है, मेटल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो अच्छा लगे उस पर करो। तो इस तरह से आप अपने जो आपका टेक्स्ट है उसको एकदम मनचाहा मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये वर्ड एड की बहुत ये सारी चीज़ें हैं, इसके ज़रिए आप अपने जो थंबनेल के रूप में अगर आप इस ऐसे बना करके फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने थंबनेल लगाते तो बहुत ही परफेक्ट लगेगा। अपने कंप्यूटर से ही आप इसको बहुत ही अच्छा आकार दे सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.